नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में आज सातवें चरण का मतदान जारी है। 403 विधानसभाएं हैं जिसमें से 6 चरण के मतदान हो चुके हैं। सातवें चरण का मतदान आज 9 जिलों की 54 सीटों पर हो रहा है। शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 5 बजे तक 54.18% मतदान हुआ है। वाराणसी में 52.79% मतदान हुआ। आजमगढ़ में 52.34% मतदान हुआ। मऊ में 55.04% मतदान हुआ है। जौनपुर में 53.55% मतदान 5 बजे तक संपन्न हुआ। चंदौली में 59.59%, सोनभद्र में 57%, भदोई में 54.26% मतदान 5 बजे तक हुआ। मिर्जापुर में 54.26%, वाराणसी 52.79%, आजमगढ़ 52.34%, मऊ 55.04% मतदान संपन्न हुआ। तो 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 54.18% मतदान हुआ है और कुछ समय बाद थम जाएगी मतदान की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश के मतदान का आज आखिरी चरण है। 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान जारी है। 613 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। सोनभद्र, भदोई, मिर्जापुर, जौनपुर, सभी जगह के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 50% के आंकड़े को पार कर लिया है। 3 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए थे वहां पे बहुत कम ही ऐसे जिले थे जहां पे 50% के आंकड़े को पार कर पाए थे, लेकिन अब 50 से 55 के बीच में आंकड़ा रुका हुआ है। हालांकि 59 पहुंचा है मतदान का आंकड़ा, लेकिन अभी भी बहुत कम नजर आ रहा है। 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। बात करी जाए इन सीटों की, जो कि 54 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो बता दें कि आज सातवें चरण में रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, दुद्दी, दीदारगंज, अतरौला, गोपालपुर, सकलडीहा, सागरी, शिवपुर, मुबारकपुर, सेवापुरी, भदोई, ज्ञानपुर, औराई, मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गहना, मऊ, मोहम्मदाबाद, सैयदपुर, चकिया, अजगर, रोहनिया, मछली शहर, मरियाहू, छांबी, मिर्जापुर, मंझवा, चुनार, शाहगंज, जौनपुर, मल्हानी, बदलापुर, पिंडारा, आजमगढ़, निजामाबाद, जमानिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट, गाजीपुर, जंगीपुर, जहूराबाद और मुंगरा, बादशाहपुर। ये वो सीटें हैं जहां पे आज चुनाव हो रहा है। 9 जिलों की 54 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। 613 उम्मीदवार हैं जो कि मैदान में है। अगर बड़े चेहरों की बात करी जाए तो शिवपुर में भाजपा ने अनिल राजभर को उतारा है, तो वहीं शिवपुर में सुभाषपा ने अरविंद राजभर को उतारा है। रविंद्र जायसवाल वाराणसी उत्तर से भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो अशफाक अहमद डब्लू वाराणसी उत्तर से सपा के प्रत्याशी हैं। नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, तो किशन दीक्षित को वाराणसी दक्षिण से सपा ने प्रत्याशी बनाया है। अलका राय मोहम्मदाबाद से भाजपा की प्रत्याशी, तो वहीं सुहैब अंसारी मोहम्मदाबाद से सपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बड़े चेहरों के नाम हम आपको बता रहे हैं जिनकी साख दांव पे लगी है, और बहुत ज्यादा कूटनीति के बाद, रणनीति के बाद, समीकरण बैठाने के बाद, जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए सभी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। बात करें जौनपुर की, तो वहां से भाजपा ने गिरीश यादव को उतारा, तो वहीं जौनपुर से सपा ने अरशद खान को उतारा है। रविंद्रनाथ त्रिपाठी को उतारा गया है भदोही से भाजपा के द्वारा, तो वहीं सपा ने भदोही से जाहिद बेग को उतारा है। रमाशंकर सिंह पटेल ने मड़िहान सीट से उतारे गए हैं भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो वहीं मड़िहान सीट से सपा के प्रत्याशी अरविंद बहादुर सिंह को उतारा गया है। तो तमाम प्रत्याशियों की किस्मत आज दांव पे लगी हुई है, और आज इसी के साथ सातवें चरण का चुनाव संपन्न होगा। सातवें चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद फैसला होगा उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश की सत्ता कौन संभालेगा।
ऐसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए कमलेश जुड़ चुके हैं, मऊ से संवाददाता है कमलेश। 6 बजने को है और ऐसे में जो चुनावी आंकड़े सामने आए हैं 5 बजे तक के जो मतदान के प्रतिशत सामने आए, इसको देख के क्या लग रहा है, क्या कुछ परसेंटेज बढ़ पाएगा? अगर शिखा जी आपको शिखा जी देखा जाए तो यहाँ 54.04 मतदान यहाँ हो चुके हैं और अभी हो सके तो अभी 2-3% और मतदान बढ़ सकता है जी। आखिर क्या वजह नजर आ रही है जो इतना कम मतदान हो रहा है? मतदान देखा जाए तो मैडम यहाँ बार बार हम सुबह से लगातार बताते जा रहे हैं कि यहाँ ये जो मऊ के सदर सीट जो बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के नाम से जाना था और उनके बेटे भी अब्बास अंसारी ने भी बाहुबली मुख्तार अंसारी अपने पिताजी के ही मुखारों पर ही चल रहे हैं, जो बार बार धमकियां और देना स्टार्ट कर रहे हैं अभी से ही। जी, अगर बात करी जाए प्रत्याशियों की तो अब्बास अंसारी के सामने भाजपा ने अपने अशोक सिंह को उतारा है, तो क्या लगता है इस बार अशोक सिंह कितनी टक्कर दे पा रहे हैं अब्बास अंसारी को? इस बार देखा जाए तो टक्कर में सिर्फ कोई नहीं है, यहाँ भीम और अशोक सिंह और अब्बास अंसारी। जी, अगर बात करी जाए बाकी दलों की तो क्या कोई और ऐसा दल है जो कि अब्बास अंसारी के सामने खड़ा हो सके भाजपा के अलावा? अगर देखा जाए तो यहाँ भाजपा अब्बास अंसारी के खिलाफ अशोक सिंह भी एकदम दावेदारी भरपूर दम जमाए हुए, उनका मुंह तोड़ जवाब अब्बास अंसारी का अशोक सिंह दे रहे हैं। जी, अगर बात करी जाए कांग्रेस की या फिर बसपा की तो क्या इनके खाते में कुछ वोट जाते दिख रहे हैं मऊ में? अगर यहाँ देखा जाए तो मैडम त्रिकोणीय लड़ाई है जिसमें भारतीय स्वाधीन पार्टी और भीम राजभर बीएसपी और अशोक सिंह बीजेपी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कमलेश जुड़े थे मऊ से। तो त्रिकोणीय लड़ाई बता रहे हैं, अशोक सिंह भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं मऊ में, तो वहीं उनके सामने अब्बास अंसारी जो कि इस बार सुभाषपा से उतारे गए हैं। सुभाषपा का गठबंधन है सपा से, मऊ से सुभाषपा की तरफ से अब्बास अंसारी को गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। मंच साझा करते हुए अखिलेश भी नजर आए थे। बात करें अब्बास अंसारी की तो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और यही एक वजह भी है कि इनके साथ जो वोट बैंक है वो काफी अच्छा है। गठबंधन देखने को मिल रहा है इस बार, कहीं ना कहीं बीजेपी अगर आगे चल रही है तो कहीं पे सपा आगे चल रही है। बात करें आजमगढ़ और मऊ की तो ये सपा का गढ़ माना जाता है, तो वहीं वाराणसी में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र को जिस तरह से संभाला है, माना जा रहा है कि उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं वोट गिरेंगे, लेकिन सपा कांटे की टक्कर दे रही है। बसपा भी कहीं पीछे नहीं है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से पिछली बार अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी इन सीटों पर, तो इस बार क्या प्रदर्शन रहता है जिस तरह से प्रियंका ने प्रेजेंट किया है कांग्रेस को यूपी में, तो क्या इसका कुछ असर होता है इस बार, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अभी वोटिंग चल रही है और जिस तरह से जनता का जो रुझान देखने को मिला है, जनता की जो समस्याएं देखने को मिली है, ये कहना मुश्किल है कि भाजपा की तरफ उनका वोट जा रहा है या फिर सपा की तरफ, क्योंकि इन दो पार्टियों के बीच में ही कहीं ना कहीं पूरा इस बार का चुनाव होता नजर आया है। लेकिन कांग्रेस और बसपा भी कहीं पीछे नहीं रही है। वहीं बात करी जाए छोटे दलों की तो वो भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए हैं और उनका जितना वोट बैंक रहा है उसको देखते हुए ही भाजपा सपा ने गठबंधन किया है, तो वहीं बसपा भी वोटों का बिखराव करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बसपा के वोट से सपा का वोट कटता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस 403 विधानसभा सीटों पर अकेली लड़ रही है, गठबंधन नहीं किया है। तो लगातार चुनाव कि प्रक्रिया जो हमने देखी उसमें सब जगह पे अलग अलग मुद्दे रहे हैं और इसी खबर पे अब हमारे साथ संतोष जुड़ चुके मिर्जापुर से, संवाददाता है मिर्जापुर के हाल जानते हैं। संतोष, आज पूरा दिन जो वोटिंग देखने को मिली है, क्या कुछ देखने को मिला, कौन कौन से मुद्दों का सबसे ज्यादा असर रहा है? जी शिखा, मिर्जापुर जो है सबसे बड़ा मुद्दा रहा विकास का। पिछले 5 सालों में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काफी विकास किए, लेकिन यहाँ पर अगर सबसे बड़ा विकास अगर नहीं हुआ है तो वो विकास के नाम पे हुआ है। यहाँ पे लोग बेरोजगारी को लेकर जो है काफी अच्छे खासे नाराज थे, लेकिन जितने प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन सबको मनाने का प्रयास कर रहे थे कि 5 साल तक प्रदेश सरकार ने जो है भू माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो है
इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ जो है सारे काम किए हैं, लेकिन इस बार जो है आगामी जो हमारी सरकार बनेगी उस पे काम दिया जाएगा, बेरोजगारों को जो है यहाँ कल कारखाने लगाए जाएंगे, फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर जो है ये कार्य पहले उसके लिए सरकार बनाने के लिए उन्होंने निवेदन किया है। मिर्जापुर में कहीं ना कहीं माना जाता है कि हमेशा से दबंगों का, माफियाओं का दबदबा देखने को मिला है। अगर 5 साल का बात करिए, 5 साल की बात करी जाए, तो कानून व्यवस्था कितनी सुधरी है और अपराधियों पर कितनी लगाम लगी है मिर्जापुर में? देखिए, नो डाउट इसमें जो है काफी हद तक सुधार आया है। जो जो कोतवालियों में पैसे लेकर काम किए जाते थे, प्रशासनिक स्तर पर पैसे लेकर काम किए जाते थे, आज कहीं ना कहीं बुलडोजर बाबा योगी बाबा का जो है एक खौफ है लोगों के अंदर कि अगर हम पैसा लेंगे तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। कई लोग सस्पेंड हुए हैं। पूरे प्रदेश भर में कानून व्यवस्था अगर देखी जाए तो काफी हद तक इसमें सुधार हुआ है, और इसी को लेकर यहाँ के रोजगार युवकों ने जो है यहाँ के प्रत्याशियों की बात मानी है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया है। लेकिन शहर विधानसभा क्षेत्र इकलौता ऐसा है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वर्तमान पूर्व विधायक और मंत्री कैलाश चौरसिया जी से और निवर्तमान विधायक यहाँ पर रत्नाकर मिश्रा जी से सीधी टक्कर है। यहाँ बहुत ही कांटे की लड़ाई है। देखना ये होगा कि 10 तारीख के रिजल्ट जो सामने आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। संतोष, अगर बात करें बाकी अन्य दलों की, कांग्रेस की, बसपा की, वो कितना असर डाल रहे हैं इस चुनाव में मिर्जापुर में? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है मात्र एक ऐसी सीट है जहां पर पिछड़ी जाति के लोग और मायावती के वोटर रहते हैं, 96 सुरक्षित, और वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया है। एनडीए का वहां गठबंधन है। राहुल कोल वहां से जो है अपना दल से जो है विधायक है। यहाँ पर कई वर्षों बाद मतलब देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लीड की है। इसके पहले यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी के अच्छे विधायकों में रमेश बिंद का नाम हुआ करता था, लेकिन वो पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। वो विधायक से भदोही से सांसद हो गए हैं। इस समय बहुजन समाजवादी पार्टी में मिर्जापुर देखा जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी नेता विहीन है। यहाँ पर निश्चित रूप से कोई जो है बहुजन समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं निकलने के लिए एकदम नगण्य है। सिर्फ यहाँ पर लड़ाई है तो समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की। अगर भी बात करी जाए पिछले चुनावों में की, संतोष, तो पिछली बार 5 में से 4 सीटें बीजेपी के पास गई थी और 1 सीट अपना दल के पास गई थी, तो इस बार भी क्या बीजेपी अपना वही वर्चस्व दिखा पाएगी या फिर टक्कर की वजह से 1-8 सीटें कम हो सकती है? देखिए, यहाँ पर अनुप्रिया पटेल जो है उनका एक चर्चित नाम है, चर्चित चेहरा है। यहाँ पर उन्होंने मैं बताऊंगा, आजादी के बाद से जितने भी अब तक सांसद हुए हैं वो सांसद मिर्जापुर जनपद में वो कार्य नहीं किए जिससे जनता खुश रहे। यह पहली ऐसी सांसद है जो पहली बार में ही मंत्री हुई और मिर्जापुर में ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसे ऐसे कार्य किए कि मिर्जापुर की जनता उनसे प्रसन्न हुई और कप प्लेट पर मुहर लगाकर दोबारा भी उनको सांसद बनाई, मिनिस्टर बनाई। और आज अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में अपना एक वर्चस्व रखती हैं और एनडीए की गवर्नमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका है। मिर्जापुर, प्रतापगढ़, भदोही, कई जनपदों में इनका जो है गठबंधन चल रहा है। ये 2017 में इनको 12 सीट मिली थी एनडीए का और इसमें उन्होंने 9 एनडीए की सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी के दामन में डाला था। इस बार भी ऐसा पूरा प्रतीत होता है कि अपना दल यहाँ पर चुनाव जीत जाएगी और निश्चित रूप से एनडीए की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बनेगी। संतोष, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से दो धड़ों में बट चुका है अपना दल के बारे में आपने भी बताया कि किस तरह से जनता का समर्थन मिलता है, तो क्या अनुप्रिया पटेल का चेहरा देख के मिलता है या फिर अपना दल को देख के सहयोग किस तरफ जाता है जनता का, समर्थकों का? देखिए, अपना दल का जो संस्थापक रहे सोनीलाल पटेल जी, उनके पिताजी जी, अब पिताजी की विरासत को पूरी तरीके से हाईटेक करके अनुप्रिया पटेल और उनके हस्बैंड आशीष पटेल ने पूरी अपना दल को अपना बनाया है। और अपना दल कमीरावादी जो है वो उनकी माताजी और उनकी बड़ी बहन, ये दोनों लोग चला रही हैं।
वो रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, जो अनुप्रिया पटेल यस अपना दल को मिल रहा है। तो इस बार भी देखने को मिल रहा है कि कृष्णावती लालच में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को समर्थन दी है, और यहाँ पर वो मढ़ियान विधानसभा में उनकी बड़ी बहन लड़ रही है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। मढ़ियान में वर्तमान मंत्री रमाशंकर पटेल भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले वहां लड़ रहे हैं और अच्छे फाइट में है, और जीत सुनिश्चित लगभग बनी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। मिर्जापुर से हमारे साथ संवाददाता संतोष जुड़े थे, तो उन्होंने बताया कि अपना दल का और खास तौर से अनुप्रिया पटेल का एक अपना ही वोट बैंक है और अपना ही वर्चस्व, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आगे नजर आ रही है। अपना दल एस का गठबंधन बीजेपी के साथ है, और पिछले चुनावों की बात करें तो मिर्जापुर में 5 में से 4 सीटें मिर्जापुर में बीजेपी के खाते में थी और अपना दल एस के पास 1 सीट। तो चुनावी टक्कर काटे की है, लेकिन अगर बात करी जाए गढ़ की, जो गढ़ माना जाता है सपा का, तो वहां पे आज भी दबदबा देखने को मिल रहा है सपा का ही, और बीजेपी कहीं ऊपर तो कहीं नीचे होती नजर आ रही है, क्योंकि ये सब मुद्दों के ऊपर भी निर्भर कर रहा है कि मुद्दों को देखते हुए जनता इस बार कितना वोट कर रही है या फिर अपने परंपरागत तरीके से वोट कर रही है। बात करें पिछले चुनावों की, तो आजमगढ़ में 10 में से 1 सीट सिर्फ मिली थी आजमगढ़ में बीजेपी को, 10 विधानसभाएं जहां पे 1 सीट बीजेपी को मिली थी, अजयगढ़ माना जाता है सपा का, सपा के पास जबकि 5 सीटें उस वक्त में गई थी। पिछले 2017 के चुनाव में बीएसपी ने 4 सीटों पे जीत हासिल की थी, कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली थी, और सुभाष भाई अपना दल की बात करें तो उनके खाते में भी 1 सीट भी नहीं गई थी। मऊ की बात करें तो 5 में से 4 सीटें बीजेपी के पास गई थी, 1 बीएसपी के पास गई थी, बाकी के पास कुछ भी सीटें नहीं गई थी। गाजीपुर में 7 में से 3 सीटों पे बीजेपी का कब्जा था, 2 पे सपा का कब्जा था और 2 पे सुभाष भाई का कब्जा था। जौनपुर में 9 में से 4 सीटें बीजेपी, 3 में सपा, 1 पे बीएसपी, 1 पे अपना दल एस। वाराणसी की बात करें तो 8 में से 6 सीटें बीजेपी के पास थी, 1 सीट अपना दल और 1 सीट सुभाषपा के पास। मिर्जापुर में 5 में से 4 सीटें बीजेपी के पास, 1 सीट अपना दल के पास। चंदौली की बात करी जाए तो वहां पे 4 में से 3 सीटें बीजेपी के पास, 1 एसपी के पास। और सोनभद्र की बात करी जाए, 4 में से 3 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास गई थी 2017 में, 3 सीटें बीजेपी के पास सोनभद्र से भी और 1 सीट अपना दल यानी गठबंधन के पास। भदोई में 3 में से 2 सीटें बीजेपी और 1 निषाद पार्टी के पास यानी गठबंधन में ही गई थी। तो इस बार बीजेपी की परीक्षा मानी जा रही है भदोई में, आजमगढ़ में, मऊ में, क्योंकि ये 3 सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन भदोई में पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था बीजेपी ने, 3 में से 2 बीजेपी और 1 निषाद पार्टी के पास गई थी। निषाद पार्टी के साथ अभी भी गठबंधन है बीजेपी का। सपा के बात करी जाए तो सपा के पास कुल 11 सीटें गई थी, बीएसपी के पास पिछले चुनावों में 6 सीटें गई थी 7वें चरण में। तो निषाद पार्टी का बीजेपी से गठबंधन है, लेकिन कहीं ना कहीं निषाद वोटरों का बहुलता है और कहीं ना कहीं उनमें कुछ नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। बात करी जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में पिछली बार इन 7वें चरण में यानी कि इन 9 जिलों की 54 सीटों पर 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी कांग्रेस। सुभाषपा 3 सीटें कुल जीत पाई थी इस चरण में, अपना दल के पास 4 सीटें गई थी कुल। तो हर एक जिले के अपने अलग मुद्दे हैं और इन मुद्दों को देखते हुए भी इस बार चुनाव हो रहा है। अगर बात करें 54 सीटों की, तो एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे कि 54 सीटों में रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, दुद्दी, दीदारगंज, अतरौला, गोपालपुर, सकलडीहा, सागरी, शिवपुर, मुबारकपुर, सेवापुरी, भदोई, ज्ञानपुर, औराई, मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गेहना, मऊ, मोहम्मदाबाद, सैयदपुर, चकिया, अजगर, रोहनिया, मछली शहर, मरियाहू, छाम्बी, मिर्जापुर, मझवा, चुनार, शाहगंज, जौनपुर, मल्हानी, बदलापुर, पिंडारा, आजमगढ़, निजामाबाद, जमानिया, मुगलसराय, फूलपुर, पवई, लालगंज, मेहरगढ़, जाफराबाद, सैदपुर,
मरिहा, उत्तर वाराणसी, दक्षिण वाराणसी, कैंट, गाजीपुर, जंगीपुर, जहूराबाद और मुंगरा, बादशाहपुर, इन जगह पे आज चुनाव हो रहा है। 9 जिलों की 54 सीटें हैं जहां पे चुनाव हो रहा है और 54% मतदान अभी तक हो चुका है। 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। और अब हमारे साथ जौनपुर से संवाददाता जुड़ चुके हैं, अहमद हसन। जौनपुर में 53.55% मतदान हुआ है 5 बजे तक। अहमद, कहीं ना कहीं 50 से ऊपर ही आंकड़े गए हैं लेकिन 55 भी पार नहीं कर पाए हैं, क्या वजह नजर आ रही है? नहीं, अभी 6 बजे के आंकड़े नहीं आ पाए हैं और 6 बजे के जब आंकड़े आएंगे तो जरूर परसेंटेज कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही। जी, मतदान केंद्रों की बात करी जाए तो क्या अभी भी वहां पे वोटर मौजूद है? नहीं, भीड़ तो बूथ पे है ही नहीं। अब पार्टियां जो है अब वीवीपैट जमा करने के लिए रवाना हो चुकी हैं। जी, अगर बात करी जाए प्रत्याशियों की तो कौन कौन से प्रत्याशी सबसे ज्यादा टक्कर देते हुए नजर आए हर एक विधानसभा पे? सदर विधानसभा में गिरीश यादव और अरशद खान में टक्कर थी, समाजवादी पार्टी से अरशद खान और भाजपा से गिरीश यादव जो वर्तमान समय में राज्य मंत्री है, इनके बीच ही टक्कर देखी। शाहगंज से रमेश सिंह और निषाद पार्टी के प्रत्याशी रमेश सिंह और पूर्व मंत्री लई यादव सपा से, उनकी बीच ही टक्कर थी। किराकत में बसपा प्रत्याशी लाल बहादुर सिद्धार्थ और दिनेश चौधरी, इनके बीच ही टक्कर थी किराकत विधानसभा में, जो कि वर्तमान समय में दिनेश चौधरी विधायक भी हैं। मछलीशहर की बात की जाए तो मछलीशहर में रागिनी सोनकर और मिहिलाल गौतम जो कि भाजपा से है, रागिनी सोनकर सपा से, इनके बीच में सीधी टक्कर थी। मलनी में जेडीयू के प्रत्याशी धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव बीच में सीधी टक्कर थी। वहीं बदलापुर की बात करें तो बदलापुर में सीधे रमेश सिंह जो भाजपा से हैं और बाबा दुबे जो सपा से हैं, उनके बीच में सीधी टक्कर थी। जी अहमद, अगर बात करी जाए इस बार के मुद्दों की तो कौन से अहम मुद्दे देखने को मिले जौनपुर में? विकास के मुद्दे। जी, तो विकास के मुद्दों को देखते हुए इस बार वोट किया है जनता ने, तो और जौनपुर में अगर बात करी जाए कौन कौन सी पार्टियां सीधे तौर पे टक्कर दे रही है एक दूसरे को? बीएसपी और कांग्रेस को कहां देखते हैं? भाजपा गठबंधन और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर थी जौनपुर में, नव विधानसभा में, या तो भाजपा या तो उनके गठबंधन के प्रत्याशी, और उनकी सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों से थी। जी, अगर पिछले चुनावों की बात करी जाए तो पिछले चुनावों में जिस तरह से योगी मोदी लहर रही थी, क्या इस बार वो लहर जौनपुर में दिखाई दे रही है या फिर इस बार सपा की लहर दिख रही है, क्या दिख रहा है जौनपुर में? नहीं, पिछली बार ऐसी लहर तो इस बार नहीं दिखी क्योंकि 5 साल सत्ता में रहने के बाद लोगों ने जितनी उम्मीद लगाई थी इनके विधायक उतने खड़े नहीं उतरे, इसलिए कहीं ना कहीं इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है और भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा जौनपुर में। जी, अगर बात करी जाए विधायकों की तो क्या विधायक जमीनी स्तर पर काम करते नजर आए? जिस तरह से बीजेपी कहती है कि उनके जितने भी विधायक थे उन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, जनता तक अपनी पहुंच बनाई है, तो क्या ऐसा सच में हुआ है या फिर 5 साल गायब रहे हैं, जनता का क्या कहना है? दावे तो रहे हैं बीजेपी के कि विधायक जनता के बीच में रहे हैं लेकिन जनता को विश्वास में नहीं ले पाए कि हम रहे हैं, और ये कोरोना काल में कहीं गायब से हो गए थे जी, इसलिए जनता के बीच में इनके प्रति गुस्सा भी था जी। लोग, जौनपुर की जनता बदलाव भी चाहती थी कि जौनपुर बदला हो, कहीं ना कहीं इसका असर आने वाली 10 तारीख को दिखाई देगा जब वोटों की गिनती होगी, तो वो पता चल जाएगा कि कितना इनके विधायकों ने जमीन पर काम किया है। सरकार के धावे भले ही बड़े बड़े हों लेकिन जमीनी हकीकत उससे कहीं परे है। जी, आज का चुनावी दिन कैसा रहा? क्या शांतिपूर्ण तरीके से सभी विधानसभाओं में हर एक मतदान केंद्र पे मतदान हुआ या कहीं पे ईवीएम खराब होने की वजह से भी मतदान बाधित हुआ? छिटपुट घटनाएं होती रही, ईवीएम खराब होने की घटनाएं भी होती रही, समय समय पर ऐसी सूचना आती रही, लेकिन प्रशासन ने समय समय पर समस्या का निस्तारण किया और सम्मान रूप से
सकुशल चुनाव संपन्न हो गया जौनपुर में। जी, वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए क्या कुछ सुविधाएं देखने को मिली, जिस तरह से दावा किया गया था, क्या वो जमीनी स्तर पर देखने को मिली? वृद्धा के लिए और विकलांग के लिए बूथ के अंदर मोटरसाइकिल या बूथ के पास तक मोटरसाइकिल ले जाने की छूट दी गई थी, जिससे काफी लोगों को सहूलियत मिली और व्यवस्था दिखी शासन द्वारा की, जो व्यवस्था की गई थी जी महिलाओं के लिए, वृद्धा के लिए, विकलांग के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अहमद हसन जुड़े थे जौनपुर से। तो 54.18% मतदान हुआ है 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए। हालांकि 1% आंकड़े बढ़ेंगे जब फाइनल आंकड़े सामने आएंगे, यानी 6 बजे तक के आंकड़े सामने आएंगे। वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर सभी जगह के आंकड़े सामने आ चुके हैं। वाराणसी में 52.79% मतदान हुआ है, चंदौली में 59.59%, सबसे ज्यादा चंदौली में ही मतदान हुआ है। सोनभद्र 57%, भदोई 54.26% मतदान हुआ है, आजमगढ़ 52.34% मतदान हुआ है, मऊ 55.04%, गाजीपुर 53.55% मतदान हुआ है, चंदौली 59.59%। सबसे ज्यादा मतदान चंदौली में देखने को मिला। सोनभद्र 57, भदोही 54.26, मिर्जापुर 54.95%, वाराणसी 52.79%, आजमगढ़ 52.34%, मऊ 55.04%, गाजीपुर चंदौली 59.59%, भदोही 54.26, मिर्जापुर 54.95%, जौनपुर 53.55% मतदान देखने को मिला। 5 बजे तक 54.18% मतदान हुआ है। देखा जाए तो सबसे कम आजमगढ़ और फिर वाराणसी में मतदान हुआ है। आजमगढ़ में 52.34, तो वहीं वाराणसी में 52.79% मतदान हुआ, सबसे कम मतदान देखने को मिल रहा है। जौनपुर में 53.55%, मिर्जापुर में 54.95%, भदोही 54.26%, सोनभद्र 57% मतदान हुआ है। पल पल की चुनावी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर चुनावी अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।